दोस्तों आज हम लोग आ गए पनवाड़ी पोहा सेंटर, जिनकी दुकान पर बहुत सारी ब्रेकफास्ट आइटम मिलती हैं और वो भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया। तो फटाफट से चलते हैं अंदर और ट्राई करते हैं सब कुछ। तो भैया क्या क्या आइटम्स मिलेंगी हमें यहाँ पे? मैडम ये पोहे के अलावा जैसे मैंने आपको बताया था मेरे साथ बहुत सारी वैरायटी है मेरे पास। सॉरी, ये साबूदाना खिचड़ी है जो कि व्रत में भी चलती है, ये व्रत वालों के लिए भी है साबूदाना खिचड़ी। ये पास्ता है, ये पास्ते की क्वालिटी वो होती है कि हम इसमें कभी मेयोनीज नहीं डालते, इसमें चीज़ और क्रीम का यूज़ करते हैं। ये स्प्राउट्स है, बटर रगड़ा नट्स इसको हम बोलते हैं, इसमें 7-8 तरह के नट्स रहते हैं, काला चना, सफ़ेद चना, मूंगफली, स्वीट कॉर्न, गेहूं, मटर, मूंग दाल खड़ी, और बटर में फ्राइड रहता है, खड़ा लहसुन रहता है इसके अंदर, अच्छा। ये हेल्दी रहता है। ये उपमा रहता है आपका, इसमें पूरा वेजिटेरियन मशरूम वगैरह सब रहता है। ये नमकीन सेवइयां हैं, लोग पहले बनती थी अपने घरों में, गाँव में बनती थी, लोग यहाँ पर भूल गए, हमने स्टार्ट किया है। इसमें ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और ये पनीर मिक्स करके, और बहुत अच्छा टेस्ट रहता है इसका। और ये तुम्हारा इडली मसाला है, आपने बहुत जगह इडली खाई होगी, इडली सांभर, ये हमारा इडली मसाला है, और इसके साथ ये चटनी रहती है, इसका भी ये बहुत अच्छा टेस्ट रहता है, और इसके साथ ये चटनी रहती है, ये चटनी रहेगी। दूसरा जलेबी देसी घी में बनाते हैं, और आपका ये पोहा तो हमारा है ही, है ना। इसके अलावा सैंडविच वगैरह ये सब अपने यहाँ मिलती है। तो गाइस आपको यहाँ पे ये पैकिंग भी मिल जाएगी पोहे की, और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सर्व करते हैं पत्ते की प्लेट के ऊपर। आपने इतनी सारी ब्रेकफास्ट आइटम तो रखी हुई है, पर मैं इतनी सारी चीजें खाऊंगी कैसे? मैडम ये सारी चीजें हम आपको खिलाएंगे, ये सब चीजों के लिए हमारे पास प्लेटर है। अच्छा, प्लेटर सर्व करते हैं? प्लेटर लगा के दूंगा मैं आपको, इसमें 5 वेराइटीज आती है, ये 6 आइटम है। अच्छा, आप जो कहोगे वो एक छोड़ दूंगा मैं, बाकी आपको तो खैर सभी टेस्ट चाहिए। ये देखिए खिचड़ी है, दो लेना होगा दोबारा मैं आपको फुल क्वान्टिटी दूंगा, ये बेस्ट होगा। ये आपका पास्ता है सर, ये पास्ता आ गया गाइस। तो मतलब इस प्लेटर के अंदर हमें 4 चीजें मिलेंगी अगर आप इसको ट्राई करने आएंगे तो। और प्राइस क्या रहता है भैया इस प्लेटर का? मिलेंगी 5 चीजें, ये 130 का रहता है। 130 का? 130 में मतलब इतनी अच्छी अच्छी ब्रेकफास्ट आइटम मिलने वाली है। और ये उपमा, उपमा मतलब आज का ब्रेकफास्ट मेरा ना बहुत ही बढ़िया होने वाला है, और काफी ज्यादा हेल्दी। मैं आपको स्प्राउट खिला सकता था, ये खत्म हो गया है। अच्छा। मैं आपको उसकी जगह नमकीन सेवइयां ड्राई फ्रूट्स खिलाऊंगा। अच्छा, तो गाइस आपने कभी ऐसा प्लेटर खाया क्या? ये हेल्दी ब्रेकफास्ट है बिल्कुल। ये आगे ऊपर से चटनी बहुत ही बढ़िया, और धनिया की गार्निशिंग कर दी भैया ने, मूंगफली। इसको एक बंदा तो खा ही नहीं पाता है। हाँ, तो भाई बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, दो प्लेट से ऊपर का वजन है, ये लगभग 650-600 ग्राम वजन है, तो ये दो बंदे लगभग खा पाते हैं इसको। भैया ये तो रही खाने की चीज़ें, हम नाश्ते का टाइम हो रहा है तो चाय की तो जरूरत पड़ती है, अब आपने खाने की चीज़ दे दी है तो उसके साथ में पीने के लिए क्या देने वाले हैं? पीने के लिए सर हम आपको देंगे कैरी का पन्ना, सुबह सुबह पन्ना, सुबह हम सुबह तो चाय चलती है, चाय भी पिलाते हैं, लेकिन हम आपको नई चीज़ टेस्ट कराएंगे, अनलिमिटेड बिकता है वो हमारा, और बहुत अच्छा टेस्ट है। अभी धूप पड़ रही है ना, कैरी का कच्चा, जो कच्ची कैरी रहती है, अच्छा, उसका पना हम बनाते हैं, बहुत अच्छा। तो मैंने तो सुना है भैया मतलब ये गर्मियों के लिए बहुत फायदेमंद, गर्मियों के लिए बिल्कुल, गर्मियों के लिए है वो। तो फटाफट से बनाता हूं, पूरे दिन धूप में, हमें इसकी तो बहुत ज्यादा जरूरत है। आप हमें पहले क्यों नहीं मिले, आपने तो धूप का रामबाण दे दिया हमें, फटाफट से लगा दिया आपको कैरी पना पिलवा। तो गाइस ये आ गया हमारा ब्रेकफास्ट प्लेटर, और कभी इतनी सारी चीजें ब्रेकफास्ट में खाई है वो भी सिर्फ और सिर्फ 130 रुपए में, और साथ में मेरे पास ये आ गया आम पन्ना, जो कि मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस प्लेटर के अंदर आपको मिल रही हैं। ब्रेकफास्ट आइटम में इनके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर प्लेटर के अंदर आपको जो है ना 5 आइटम मिल जाएगी, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फटाफट से बताती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। ये है हमारा साबूदाने की खिचड़ी, ये है हमारी नमकीन सेवइयाँ, और ये है हमारा उपमा, मसाले वाली इडली और पास्ता, और काफ़ी मतलब कहें तो हेल्दी ब्रेकफास्ट हो गया ये, अगर पास्ते को हम लोग आउट कर दें यहाँ से तो काफ़ी हेल्दी ब्रेकफास्ट है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, और मैं ट्राई कर रही हूँ फटाफट से। साबूदाने की खीर किस किस को, साबूदाने की खिचड़ी किस किस को पसंद है कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे तो बहुत अल्टीमेट लगती है, मतलब जब नवरात्रे चल रहे होते हैं ना, मैं स्पेशली अपनी चाची को बोलती हूँ, चाची प्लीज़ यार साबूदाने की खिचड़ी खिला दो, तो बहुत ही अमेजिंग बनाती है वो। हल्की सी स्वीटर साइड पे और थोड़ी सी सॉल्टी साइड पे है,
काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। और नेक्स्ट हम लोग ये ट्राई करने वाले हैं सेवैयाँ, जो पनीर और ड्राई फ्रूट से लोडेड है। ये नेक्स्ट हमारा है मसाला इडली, जो कि सर्व करते हैं चटनी के साथ। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट रहता है, मैंने घर पे बहुत बार बनाई हुई है और खाई हुई है, काफ़ी अमेजिंग है। पर मैं ना ये होता है फ्राई करके बनाती थी, जो इसके अंदर मसाले यूज़ किए गए हैं ना बहुत ही परफेक्ट है, काफ़ी लेवल्ड है, काफ़ी टेस्टी है। नेक्स्ट हमारा ये है उपमा, कमेंट सेक्शन में बताओ इन सब चीज़ों में से आपको कोई एक चीज़ मिले तो कौन सी सेलेक्ट करोगे। तो ये हमारा उपमा, एक दो चीज़ें ही पसंद आती है बट यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने ट्राई की ना वो सब ही अमेजिंग है बहुत, तो काफ़ी टेस्टी लगी मुझे यार। अब ये लास्ट मेरा पास्ता, काफ़ी अच्छा है ये भी। तो भाई मुझे तो प्लेटर ये बहुत ही पसंद आया आपको, और सबसे बड़ी बात इतनी अच्छी इतना अच्छा प्लेटर आपको सिर्फ 130 रुपीज़ में मिल रहा है, और एक बंदा इसको नहीं खा पाएगा, कम से कम दो बंदे चाहिए इसको खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेट और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और ये है हमारा आम पन्ना, जो कि भैया ने स्पेशली मुझे दिया कि मैम ये ट्राई करो, तो ये भी ट्राई कर लेते हैं। अमेजिंग, बहुत ठंडा और एकदम ठंडा, काफ़ी अच्छा है ये। और भैया ने बताया ये गर्मियों में तो बहुत ही चलता है, और मतलब होता है ना लू से भी बचाता है, तो हमें तो बहुत ज़रूरत है इसकी। तो गाइस मेरे को तो मज़ा आ गया ये सब चीज़ें ट्राई करके। आज हम लोग आए हुए हैं पनवाड़ी पोहे वाले पे, जो कि सर्व करते हैं बहुत ही अमेजिंग प्लेटर, और इनके पास बहुत सारी जो है ब्रेकफास्ट आइटम्स हैं, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ग्वालियर वालों को तो पता ही होगा कि यार ये जो है दुकान है और बहुत ही फेमस है। इनकी एक और छोटा सा ये स्टॉल लगाते हैं जहाँ पे वो पोहा ही सिर्फ सेल करते हैं, वो भी बहुत टेस्टी होता है, पोहा भी इनका ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अमेजिंग होता है। तो गाइस अगर आप लोगों ने पहले इनका प्लेटर ये सब चीज़ें ट्राई की हुई हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अभी हम लोग चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।